हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे आज की रेसिपी देख लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज करी। इसे हम बिना अदरक लहसुन के बनाएंगे और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। इसे आप व्रत के दिन या उपवास के दिन भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। इसमें है गोभी और आलू, गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, ग्रीन मटर और यहाँ पे है पनीर, थोड़ी सी चॉप की हुई हरा धनिया और थोड़ी सी काजू और किशमिश भी ली है। तो पहले हम सारे सब्जियां और पनीर को तेल में फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर ली है और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें पनीर को पहले छोड़ दूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे हमारी पनीर लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम उसी तेल में हमारे गोभी को छोड़ देंगे। इसी तरह हम एक एक करके सारे सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को तेल में फ्राई करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारे सब्जियों को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू को भिगो के रखे हैं पानी में और एक छोटी सी अदरक का टुकड़ा लिया है, तकरीबन 3 इंच का अदरक ही होगा ये, और 2 इलायची, 2 लौंग और एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून जीरा लिया है। अब हम ये भीगे हुए काजू और अदरक को मिक्सी में लेके इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल ले लेंगे और तेल गरम होने के बाद इसमें हम काजू किशमिश को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 काजू लिए हैं, 7 से 8 किशमिश लिए हैं। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल देंगे। अब हम उसी तेल में 1 टीस्पून जीरा दे देंगे और तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची, इसे हम 2 से 3 सेकंड तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें हमारे बनाए हुए काजू पेस्ट को इसमें दे देंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और हल्दी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में हम थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि मसाला कढ़ाई में चिपक ना जाए। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा तीखा खाना पसंद है वो यहाँ पे हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो अब हम मसाले को 2-3 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक दे देंगे मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से और नमक को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर दे रही हूँ और इसे भी मैं मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे भी मैं मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक शक्कर कैरामेलाइज ना हो जाए। यहाँ
यहाँ पे मसाले से तेल छोड़ना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं तेल बाहर आ रहा है। इसी स्टेज पे हम अभी सारे सब्जियों को इसमें डाल देंगे। जो सब्जियों को हमने फ्राई करके रखा था पहले, वो सारे सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक दे देंगे और इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे हाफ कप मिल्क ऐड करूंगी और इसे मैं सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे हमारे फ्राई की हुई पनीर और पहले जो हम काजू और किशमिश को फ्राई करके रखे थे, इसे मैं डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी और हाई फ्लेम में मैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। अभी यहाँ पे हमारा 3 मिनट हो चुका है। मैं अब इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और इसे सब्जी के साथ मिक्स कर लूँगी। ये जो सब्जी है ये ज़्यादा पतला नहीं होता है, ये थोड़ा थिक बनता है। अब हमारी मिक्स वेज करी खाने के लिए रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हमारी मिक्स वेज करी खाने के लिए रेडी हो चुका है। इसे आप कोई भी व्रत या उपवास के दिन बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्या रेसिपी बनाऊँ वो भी मुझे सजेशन दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।